मैंने एक पिछला ओशो के वीडियो के ऊपर रिएक्शन दिया था, और आज भी हम एक बहुत बेहतरीन वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं। उस पर रिस्पॉन्ड अच्छा आया था, तो आज भी एक मेरी एनालिसिस, मेरी कमेंट, ओशो ने जो कहा वो सब सुनेंगे। तुम्हारी लाइफ में भी तुम बहुत कुछ सीखोगे, तुम्हारे अगर एक्सपीरियंस वो बहुत चीज़ उतर गई तो, और हो सकता है बहुत कुछ तुम्हें आज पता लग जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मन का अभाव ध्यान है, इसलिए बुद्ध ने एक अभिनव शास्त्र जगत को दिया, सिर्फ जाग के तथ्यों को देखने का। बुद्ध ने नहीं सिखाया कि तुम विपरीत करने लगो, बुद्ध ने इतना ही सिखाया कि तुम जो हो उसे सरल कर लो, सीधा कर लो, उसके सीधे होने में ही हल है। तुम क्रोधी हो, क्रोध को जानो, छिपाओ मत, ढांको मत, मुस्कुराओ मत, जीवन को झूठ से छिपाओ मत, प्रकट करो, और तुम चकित हो जाओगे। अगर तुम अपने क्रोध को स्वीकार कर लो, अपनी घृणा को, ईर्ष्या को, द्वेष को, जलन को स्वीकार कर लो, तुम सरल होने लगोगे, तुम पाओगे एक साधुता उतरने लगी। ओशो ने सबसे पहले ही आते इसमें कहा है, वीडियो का टाइटल है कि अगर तुम मांग छोड़ते हो, मांग छोड़ दोगे मतलब मांगना छोड़ दोगे तो तुम मालिक बन जाओगे। कैसे, उसके ऊपर आगे डिटेल में बात होने वाली है, हम भी बात करने वाले हैं। सबसे पहले आते बात क्या है कि बुद्ध ने एक सूत्र दिया था कि जैसे तुम हो वैसे रहो, तुम्हें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है ज़िंदगी के अंदर। अगर तुम्हें पीस चाहिए, तुम्हें अध्यात्म चाहिए, तुम्हें खुद की रियलिटी को जानना, जैसे कि मैं बहुत सारे वीडियोज़ बनाता हूँ, सो तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। जो तुम हो तुम्हें उसको एक्सेप्ट करना है, तुम्हें उसको स्वीकार कर लेना है, जैसा है वैसे का वैसा। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हें गुस्सा भी आ रहा है तो तुम्हें मान लेना है कि हाँ मुझे गुस्सा आता है। तुम्हें शांत बनने की या फिर जो तुम नहीं हो वो झूठा बनने की कोशिश करने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें उसके अपोजिट जाने की जरूरत है ही नहीं। बस जो फैक्ट है, फैक्ट तो ये है ना कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम्हें कोई चीज़ हो जिससे तुम परेशान हो, बस वो फैक्ट है ना, उसके प्रति जाग जाओ, एक्सेप्ट कर लो, उसको स्वीकार कर लो। अब स्वीकार करने का कई लोग मतलब समझते हैं कि मैंने मान लिया कि मैं तो हूँ गुस्से वाला और हो गया। नहीं, इसका मतलब जब तुम्हें गुस्सा आ रहा है, जब तुम क्रोध कर रहे हो तो तुम्हें उससे कुछ भी दिक्कत नहीं है, ना भी तुम्हें उस चीज़ से शर्म आ रही है, तुम हो वो, तुम हो वैसे। और जब तुम ऐसा करना स्टार्ट हो जाते हो कि दूसरे भले तुम्हें माने जो भी मानना है, जो भी तुम्हें करना है, पर तुम्हें जब आ रहा है गुस्सा तो तुम ये मान लेते हो कि मुझे आ रहा है गुस्सा और मैं हूँ क्रोधी, तो धीरे धीरे अपने आप तुम्हारा दिमाग सरल होता जाएगा, तुम्हारा दिमाग अपने आप ईजी होता जाएगा। क्योंकि अब तुम अंदर से उस चीज़ से भाग नहीं रहे हो। जितना तुम चीज़ों से भागते हो उतना ही तुम वो जो चीज़ है जिससे तुम छूटना चाहते हो उसको तुम और उसके मतलब कहते हो कि नहीं नहीं तू मेरी ज़िंदगी में अभी तेरी ज़रूरत है। और जितना तुम उस चीज़ को स्वीकार लेते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ भाई मेरे को आ रहा है क्रोधी, उतना ही तुम उस चीज़ से धीरे धीरे छूटना स्टार्ट हो जाते हो। आगे सुनते हैं, फिर बात करेंगे। अहंकार अपने आप गिरने लगा, क्योंकि अहंकार तभी तक रह सकता है जब तक तुम धोखा दो। अहंकार धोखे का सार है या सब धोखों का निचोड़ है। जितने तुमने धोखे दिए उतना ही बड़ा अहंकार है, क्योंकि तुमने बड़ी चालबाजी की और तुमने दुनिया को धोखे में डाल दिया। तुम बड़े अकड़े हुए हो, लेकिन तुम उघाड़ दो सब। जिसको जीसस ने कन्फेशन कहा है स्वीकार कर लो, और जीसस ने जिसको कहा है कि जिसने स्वीकार कर लिया वो मुक्त हो गए, उसको ही बुद्ध ने कहा है। बुद्ध कन्फेशन शब्द का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि परमात्मा की कोई जगह नहीं है बुद्ध के विचार में। किसके सामने करना है स्वीकार? अपने ही सामने स्वीकार कर लेना है। तथ्य की स्वीकृति में तथ्य से मुक्ति है, तथ्य की स्वीकृति में तथ्य के पार जाना है, तथ्य की स्वीकृति में तथ्य से पार जाना है। मतलब अगर तुमने मान लिया कि तुम्हें गुस्सा आता है, तुमने मान लिया कि तुम्हें कोई ऐसी चीज़ है, तुम्हें कोई चीज़ की एडिक्शन है जिस चीज़ से तुम लाइफ में बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हो, तुमने मान लिया कि वो है, तुम उस चीज़ से इनसिक्योर हो, तुम उस चीज़ से गुस्सा हो, तुम उस चीज़ से तुम्हारे को किसी चीज़ से एडिक्शन है, अगर तुमने मान लिया
और तुम्हें अंदर से ऐसे नहीं है कि यार मैं तो बहुत बुरा हूँ, मैं तो ये हूँ। मानने का मतलब, स्वीकारने का मतलब ये नहीं होता है ऊपर ऊपर से बोल लिया और अंदर मेरे हो रहा है कि यार मैं ऐसा क्यों वैसा क्यों। नहीं, तुमने फाइनली फुल्ली खुद को जैसे हो वैसा अगर एक्सेप्ट कर लिया है तो उसका मतलब ये है कि तुमने जब तथ्य को मान लिया, जो फैक्ट है उसको मान लिया, तो जैसे ही तुमने उस फैक्ट को मान लिया वैसे ही धीरे धीरे तुम फैक्ट से आज़ाद होना स्टार्ट हो जाते हो, क्योंकि अब तुम्हें उस फैक्ट को लेकर कुछ भी शर्म नहीं है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा, तुम अपने आप में खुद से प्यार करना स्टार्ट हो जाओगे, क्योंकि तुम ये मान लोगे किसी भी चीज़ के होने या ना होने से मैं नहीं हूँ, मैं हूँ ही बढ़िया। और जब तुम मान लोगे कि भले मुझे गुस्सा आता है, भले मुझे किसी चीज़ की एडिक्शन है, भले मैं किसी चीज़ से इनसिक्योर हूँ कि मेरा थोबड़ा ऐसा है, मेरे नाक ऐसी है, मेरे बाल ऐसे हैं, या फिर मैं बोलते बोलते स्टैमर करता हूँ, मेरे केस में मान लो। सो जैसे तुमने उस चीज़ को स्वीकार कर लिया, तुम देखोगे कि वो फैक्ट धीरे धीरे जाना स्टार्ट हो जाएगा, वो चीज़ अपने आप धीरे धीरे हटनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अब तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती है। तुम्हें शर्म क्यों आएगी? तुमने एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। जितना खुद के फैक्ट से भागोगे ना, उतना वो चीज़ बार बार होगी, क्योंकि तुम खुद को अपना नहीं पा रहे हो। तुम सोच रहे हो मुझे एक बेस्ट बनने की जरूरत है, मुझे अच्छा बनने की जरूरत है, मुझे परफेक्ट बनने की जरूरत है, बट तुम ऑलरेडी हो परफेक्ट। तो तभी ओशो ने कहा कि भले गुस्सा आ रहा हो, भले इनसिक्योरिटी हो किसी भी चीज़ को लेके, उसको एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट करने का मतलब है चाहे दूसरे सामने हो, चाहे मेरे अंदर की बात हो, चाहे मैं बाहर वाले को जैसा भी हूँ दिखा रहा, सारे केसेस में मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मेरे को उस चीज़ से ना कोई दिक्कत बची, ना मेरे को उस चीज़ में अब कुछ शर्म आ रही है, कुछ नहीं आ रहा है, मैं हूँ तो हूँ वैसा। अगर मैंने इतने साल ऐसे सोचते सोचते निकाल दिया कि मैं ऐसा क्यों हूँ, आज तक कुछ हेल्प हुई नहीं हुई ना, मान लो कि मैं हूँ ऐसा। और तुम जब देखोगे कि तुमने खुद से प्यार करना स्टार्ट कर दिया, उस फैक्ट को मान लिया है, जो धोखा तुम दूसरे को और खुद को देते थे, एक दूसरा मास्क ओढ़ के, वो तुमने जब उतार के फेंक दिया है, तो जो फैक्ट था वो अपने आप जाना स्टार्ट हो गया। जो तुम अगर इतने दिन गुस्सा कर रहे थे, तो उसको गुस्से को अपना लेने से ही वो गुस्सा अपने आप बाहर हो गया है। तुम अगर इतने दिन किसी चीज़ से इनसिक्योर थे, तो उस चीज़ को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेने से ही वो चीज़ बाहर हो गई है। आगे सुनते हैं। इस बहुमूल्य सूत्र का थोड़ा सा जीवन में उपयोग करोगे, तुम चकित हो जाओगे। तुम्हारे हाथ में कीमिया लग गई, एक कुंजी लग गई। तुम जो हो उसे स्वीकार कर लो। चोर हो चोर, झूठे हो झूठे, बेईमान हो बेईमान, क्या करोगे तुम? उस स्वीकृति में तुम पाओगे कि अचानक तुम जो थे वो बदलने लगा। वो नहीं बदलता था क्योंकि तुम छिपाते थे। जैसे घाव को खोल दो खुली रोशनी में, सूरज की किरणें पड़े, ताजी हवाएं छुए, घाव भरने लगता है। ऐसे ही ये भीतर के घाव हैं, इन्हें तुम जगत के सामने खोल दो, ये भरने लगते हैं। इस स्थिति को बुद्ध कहते हैं मेधावी पुरुष, बुद्धिमान व्यक्ति, जिसको थोड़ी भी अक्ल है। बाकी ये जो उल्टे काम कर रहे हैं, क्रोधी अक्रोधी बनने की, हिंसक अहिंसक बनने की, ये मूढ़ है, ये मेधावी नहीं, ये समय गंवा रहे हैं, ये कभी कुछ ना बन पाएंगे, ये मूल ही चूक गए, ये पहले कदम पर ही भूल हो गई। मेधावी पुरुष उसी प्रकार ऋजु सरल सीधा बना लेता है अपने चित्त को, जिस प्रकार वाणकार वाण को। सो अगर तुम्हें गुस्सा आता है, या फिर तुम्हारे पास कोई भी एक चीज़ है और तुम उस चीज़ के अपोजिट जाने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें गुस्सा आता है और तुम कोशिश कर रहे हो मैं शांत हो जाऊँ, मैं शांत हो जाऊँ, मैं शांत हो जाऊँ, तुम शांत होने वाले नहीं हो, बल्कि तुम एक ऐसे उलझन में फंस जाओगे, एक ऐसे लूप में फंस जाओगे जिससे तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा और तुम कभी उस चीज़ से अलग हो ही नहीं पाओगे। और जैसे ही तुमने उस चीज़ को मान लिया, जैसे ही पूरे जगत के सामने, पूरी दुनिया के सामने तुम उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं हूँ ऐसा, और उस चीज़ में कुछ शर्म नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं, और खुद से ऐसे नहीं है कि वो चीज़ होने से मैं बहुत कम हो गया हूँ, तो वैसे ही तुम देखोगे धीरे 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 अपने आप वो चीज़ हटनी स्टार्ट हो गई है। तुम्हें कुछ और बनने की जरूरत नहीं है। झूठा हूँ तो अझूठा, दुखी हूँ तो अदुखी, गुस्सा है तो मतलब गुस्सा कम हो जाए, मेरा थोबड़ा ऐसा है तो मैं थोबड़े को वैसा कर लूँ। नहीं, जैसे हो वैसे खुद को स्वीकार लो, एक्सेप्ट कर लो। और एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत हार्ड है मैं मानता हूँ,
जैसे हैं वैसे खुद को एक्सेप्ट करना, पर जिसने पूरे मन से खुद को अपने अंदर से और दूसरे के सामने बिना शर्म बिना झिझक के खुद को जैसे वैसे एक्सेप्ट कर लिया, तुम देखोगे जिस चीज़ को तुमने एक्सेप्ट कर लिया ना वो अपने आप हो गई है गायब। और एक्सेप्ट करो जैसे हो वैसे तुम बेस्ट हो, तुम इनफ हो जैसे हो वैसे तुम। अगर तुम ही नहीं ये चीज़ नहीं मानोगे तो जिस चीज़ से परेशान हो वो चीज़ नहीं जा पाएगी कभी। जैसे हो वैसे खुद को एक्सेप्ट करो। आगे सुनते हैं। जिसकी तुम आकांक्षा करोगे उससे ही तुम वंचित रहोगे। एस धम्मो सनंतनो, जिसको तुम स्वीकार कर लोगे उससे ही तुम मुक्त हो जाओगे। जिसको तुम मांगोगे नहीं वो तुम्हारे पीछे आने लगता है, और जिसको तुम मांगते हो वो दूर हटता चला जाता है। तुम्हारी मांग हटाती है दूर। है हुसूले आरजू का राज तरके आरजू, मैंने दुनिया छोड़ दी तो मिल गई दुनिया मुझे। जीवन में सफलता का राज, आकांक्षा की सफलता का राज यही है कि आकांक्षा छोड़ दी। है हुसूले आरजू का राज तरके आरजू, मैंने दुनिया छोड़ दी तो मिल गई दुनिया मुझे। जैसे ही तुमने मांगना छोड़ दिया वैसे तुम्हारे पास बहुत सारी चीज़ें आनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि अब तुम नीड में नहीं हो, तुम किसी चीज़ के लैक में नहीं हो कि मेरे में बहुत सारी कमी है, मैं ये हूँ। तुमने खुद को एक्सेप्ट कर लिया है, और जिसने खुद को एक्सेप्ट कर लिया है, जो खुद को मानता है कि मैं तो बहुत अबंडेंट हूँ, मैं पहले से ही बहुत कुछ हूँ, तो फिर उसको बहुत कुछ और भी मिलना स्टार्ट हो जाता है। जैसा माइंड सेट तुम्हारा है वैसे तुम अट्रैक्ट करना स्टार्ट हो जाते हो। मेरे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड वाला वीडियो तुम देखोगे उसमें भी ये बात समझ आ जाएगी। सुनते हैं आगे। तुमने अगर अक्रोध को पाने की दौड़ छोड़ दी, तुम क्रोध को स्वीकार कर लिए, था करोगे क्या, छिपाओगे कहां, किससे छिपाना है, छिपा के ले जाओगे कहां। अपने ही भीतर और समा जाएगा और जड़ें गहरी हो जाएंगी। हिंसक थे, हिंसा स्वीकार कर ली, और तुम अचानक हैरान होगे, हिंसा गई और अहिंसा उपलब्ध हो गई। जिसको भी पाने की तुम दौड़ करोगे वही ना मिलेगा। अहिंसक होना चाहोगे, अहिंसक ना हो पाओगे। शांत होना चाहोगे, शांत ना हो पाओगे। सन्यासी होना चाहोगे, सन्यासी ना हो पाओगे। जो होना है वो चाहे से नहीं होता, चाहे से चीजें दूर हटती जाती, चाहे बाधा है। तुम जो हो बस उसी के साथ राजी हो जाओ। तुम तथ्य से जरा भी ना हटो, तुम भविष्य में जाओ ही मत, तुम वर्तमान को स्वीकार कर लो। मैंने दुनिया छोड़ दी, मिल गई दुनिया मुझे। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, जब हमें नफरत हुई वह बेकरार आने को है। वाह, बहुत मस्त लाइन कही है। भागती फिरती थी जब तलब थी हमें, और जब नफरत करते हैं तो भागती आती है मेरे पीछे। सो जिस मोमेंट में हो उसी मोमेंट में अगर उसमें जियोगे, आगे पीछे का छोड़ दोगे तो चीज़ें मिल जाएगी। और यही बात ओशो ने जो होगा वो कर रहेगा। वो पहले वाला जो रिएक्शन वीडियो दिया था उसमें भी ओशो ने यही सेम बात कही थी। एंड आसान शांति के पीछे भागोगे तो शांति भी नहीं मिलेगी तुम्हें। तुम सोचोगे कि मुझे संन्यास मिल जाए, मैं शांत हो जाऊं, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा। जिस चीज़ के पीछे भागोगे वो चीज़ तुमसे दूर भागती जाएगी, और जैसे ही तुम बस एक्सेप्ट कर लोगे खुद को और पीछे उस चीज़ से हट जाओगे और खुद पे ध्यान दोगे और जैसे हो खुद से प्यार करोगे, जो चीज़ है वो अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगी। तुम जैसे हो, जिस फैक्ट में तुम जी रहे हो, ये गौतम बुद्ध का मेथड है। तुम उस फैक्ट को अगर अपना लेते हो, बेसिकली ये इंडिकेट करता है एक और तरफ, सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट है ये एक तरीके से। जैसे तुम हो वैसे खुद को अपना लिया, जो भी पार्ट तुम्हारे हैं मेंटली फिजिकली वर्बली इमोशनली, उसको तुमने जैसे का जैसे एक्सेप्ट कर लिया, तो जो चीज़ें गलत थी या फिर जो चीज़ें ऐसी थी कि जो हट जानी चाहिए थी वो अपने आप हट जाएगी, क्योंकि अब तुमने खुद को एक्सेप्ट कर लिया है। तो जो चीज़ें तुम पे फिट करती है अच्छे तरीके से और वो तुम अट्रैक्ट कर लोगे अपने ऊपर। तो चीज़ों को भगाने की तरफ या किसी चीज़ के पीछे भागने के बजाय एक चीज़ करो, जो तुम हो उसको एक्सेप्ट करो। जो फैक्ट है ना, मतलब सच्चाई तो यही है ना कि
तुम अगर मतलब गुस्से से परेशान हो या फिर तुम्हें गुस्सा आता है, उसको अपनाओ। इनसिक्योर हो अपने चेहरे से, आवाज़ से या किसी चीज़ से, उसको अपनाओ। इनसिक्योर हो किसी और चीज़ से, उसको अपना लो। जैसे ही उसको अपनाओगे, झिझक छोड़ दोगे, सारी शर्म छोड़ दोगे दुनिया के आगे, खुद के आगे, उन सब से धीरे धीरे फ्री होते जाओगे, वो अपने आप हटती जाएगी चीज़ें। जिस दिन मांग बंद कर दोगे, उस दिन अपने आप राजा बन जाओगे, क्योंकि मिलता उसी को है जो भिखारी बन के मांगता नहीं है कि मुझे दे दो मुझे दे दो। जिसको मिलना होता है उसको मिलना होता है, जो डिज़र्विंग होता है, यही बात उसने पिछले वीडियो में कही थी, उसको मिल के रहता है। बस खुद को एक्सेप्ट करो, खुद पे काम करो और काम करते रहो। डिज़ायर करने से तुम उस चीज़ को अपन से दूर ही भगा रहे हो, खुद को एक्सेप्ट करो। अब सुनते हैं ओशो ने लास्ट में क्या कहा है, एंड वीडियो को अच्छे नोट पे एंड करेंगे। और ये वीडियो काफी अच्छा है पहले जैसे ही। तुम जिसके पीछे जाओगे, तुम्हारे पीछे जाने से ही तुम उसे अपने पीछे नहीं आने देते। तुम पीछे जाना बंद करो, तुम खड़े हो जाओ। और जो तुमने चाहा था, जो तुमने मांगा था, वो बरस जाएगा। लेकिन वो बरसता तभी जब तुम्हारे भीतर भिखारी का पात्र नहीं रह जाता, मांगने वाले का पात्र नहीं रह जाता, जब तुम सम्राट की तरह खड़े होते हो। इसको ही मैं मालिक होना कहता हूं। तुम जो भी हो वही हो कि तुम मालिक हो सकते हो। तुमने कुछ और होना चाहा तो तुम कैसे मालिक हो सकते हो? तब तो मांग रहे। तुम जो भी हो वो हो के ही मालिक हो सकते हो, कुछ और हो के मालिक नहीं हो सकते। गुस्सा आ रहा है, इनसिक्योर हो किसी चीज से, उसको एक्सेप्ट करोगे उस फैक्ट को अपने अंदर ही, झिझक छोड़ दोगे उस चीज से और उस चीज को एक्सेप्ट करोगे जो फैक्ट, उसको वैसे ही जाग के देखोगे, उसी दिन से मालिक हो जाओगे। क्योंकि तुम अब हर चीज में एकदम संतुष्ट हो, तुम्हें किसी चीज की मांग नहीं रही अब। और देखोगे जो चीजें जिनसे पहले परेशान थे, उसको जैसे एक्सेप्ट कर लिया, वो चीजें अपने आप हटने स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे हो वैसे रह के ही मालिक हो सकते हो। खुद को बदलना चाहा कि नहीं इस चीज़ को मैं दबा लेता हूँ, कुछ और चाहिए, कुछ नहीं मिलने वाला, इससे अच्छा उसको एक्सेप्ट करो। खुद को सेल्फ लव करोगे, उसको एक्सेप्ट करोगे, तो जो हटना होगा हटेगा, जो मिलना होगा मिलेगा, और तुम मालिक हो जाओगे। क्योंकि अब तुम खुद में ही खुद पूरे हो, खुद में ही खुद पूरे हो, भरे हुए हो, तो तुम्हें कुछ जरूरत नहीं है किसी चीज़ और तुम भिखारी रहोगे। आज अभी इसी क्षण तुम मालिक हो सकते हो। मांग छोड़ते ही आदमी मालिक हो जाता है, और थोड़ी मालिक होने का कोई उपाय है? तुम अगर मुझसे पूछो कैसे, फिर तुम चूके, क्योंकि तुमने फिर मांग के लिए रास्ता बनाया। तुमने कहा कि ठीक कहते हैं मालिक, तो मैं भी होना चाहता हूं। मैं तुमसे कहता हूं तुम हो सकते हो इसी क्षण, तुम हो। आंख पर खोलने की बात, तुम कहते हो कि होना तो मैं भी चाहता हूं। जो तथ्य है तुम उसे चाह बनाते हो, चाह बना के तुम तथ्य को दूर हटाते हो। फैक्ट को अपनाओ, फिर तथ्य जितना दूर हटता जाता है उतनी तुम ज्यादा चाह करते हो। जितनी ज्यादा तुम चाह करते हो उतना तथ्य और दूर हट जाता है, क्योंकि चाह से तथ्य का कोई संबंध कैसे जुड़ेगा? फैक्ट को अपनाओ। तथ्य तो है और चाह कहती है होना चाहिए, इन दोनों में कहीं मेल नहीं होता। बुद्ध का शास्त्र है कि तुम तथ्य को देखो और जो है उस रत्ती भर यहां वहां हटने की कोशिश मत करना। यही कृष्णमूर्ति का पूरा सार संचय है कि तुम जो हो उस रत्ती भर यहां वहां हटने की कोशिश मत करना। हो वही हो, उससे भिन्न जाने की चेष्टा की कि भटके, उससे विपरीत जाने की चेष्टा की कि फिर तो तुमने अनंत दूरी पे कर दी मंजिल। स्वीकार में, तथाता में क्रांति है। सो बेसिकली बहुत बढ़िया तरीके से लास्ट में ओशो ने यही कहा है कि जैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हो, जैसे ही ये मान लेते हो कि फैक्ट में ही तुम एक्सेप्ट करके ही मालिक बन सकते हो, जितना तुम चाहोगे, जितना तुम कुछ और बनना चाहोगे, उतने फैक्ट से दूर होते जाओगे, तथ्य से दूर होते जाओगे। तो तुम्हें तथ्य फैक्ट से दूर नहीं होना है, तुम्हें फैक्ट के पास रहना है। जो तुम हो, जैसे तुम हो,
उसके पास रहो, जो भी तुम हो अंदर से वही रहो। कुछ और बनने की कहीं से पढ़ लिया, कहीं से किताबी ज्ञान ले लिया, कुछ भी हो गया और कुछ और बनने चले हैं जो हैं उसको दबा रहे हैं, दबाने से काम नहीं होगा। जो हो पहले उसको एक्सेप्ट करो, स्वीकारो उसको। अगर तुमने स्वीकार लिया, सबसे पहले आता है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट तुमने कर लिया तो अपने आप सारी चीज़ें हो जाएगी। कई लोग कहेंगे सिर्फ एक एक्सेप्ट कर लेंगे से क्या हो जाएगा, कि मैं मोटा हूँ, पतला हूँ, मैं चेहरे को लेकर इनसिक्योर हूँ, मैं स्टैमरिंग करता हूँ, इससे मैं अगर एक्सेप्ट कर लिया, या फिर मैं ना मतलब दिखने में ऐसा हूँ, या फिर जो भी जिस चीज़ के भी मेरे को गुस्सा आता है, मैं शांति नहीं है लाइफ में, इसको अगर एक्सेप्ट कर भी लूँगा तो क्या हो जाएगा, अपने आप क्या चीज़ें हो जाएगी सही, क्योंकि उस टाइम तुम्हारा माइंडसेट चेंज हो जाएगा। जैसे तुम एक्सेप्ट करोगे तो तुम्हारा माइंडसेट ये हो जाएगा कि हाँ, मैं भले ये चीज़ें मेरे पास हो या मेरे पास ना हो, भले कोई भी इमोशन हो या ना हो, मैं हर कंडीशन में खुद को स्वीकार कर सकता हूँ, मैं हर कंडीशन में मालिक राजा हूँ। जैसे ही ये माइंडसेट हुआ, वैसे ही जो चीज़ें तुम्हें पहले परेशान कर रही थी वो परेशान करना बंद हो गई है, और तुम अपने आप देखोगे जो तुम्हारी परेशानियाँ थी, जिस चीज़ों से तुम इनसिक्योर हुए बैठे थे, वो चीज़ें अपने आप हल्की हल्की जानी स्टार्ट हो गई है। तो ये माइंडसेट का खेल है। तो जो भी हो, जैसे भी हो, रहो, एक्सेप्ट करो उस चीज़ को। कृष्ण मूर्ति ने भी यही कहा, अष्टावक्र ने भी कहा कि शाख से बन के रहो, जैसे कि ओशो ने भी बताया, ओशो ने तो कहा ही है अभी बुद्ध की, तो ये पूरा मतलब मेथड दिया हुआ है। सो जैसे हो वैसे रहो, उसको एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो अपने आप को। जैसे भी तुम हो, जो भी तुम्हें चीज़ दिक्कत दे रही है, उसको एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं बार बार बोल रहे उस चीज़ को नहीं नहीं, गुस्सा आता है आता है, उससे अपनी झिझक हटाओ, उससे अपनी चीज़ें हटाओ, उससे अपना शर्म हटाओ। पहले खुद मानो अंदर से कि हाँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ उस चीज़ को, मेरे को उस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है, और दुनिया को भी ये मतलब दिखाओ कि हाँ, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, मेरे को किस चीज़ से दिक्कत नहीं है। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, माइंडसेट चेंज होगा, जो भी तुम्हारी इनसिक्योरिटी है, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, इतने मैंने दे दिए हैं, अपने आप उससे तुम दूर होना स्टार्ट हो जाओगे। आई होप ओशो का ये वीडियो भी काफ़ी अच्छा लगा होगा, छोटा सा वीडियो था। एंड बाकी लिंक मैंने इस पूरे पॉडकास्ट की जो थी वो मैंने नीचे आई होप सो अभी तक डाल दी हो, पहले वाले की भी शायद डाल दूंगा मैं, तो तुम देखोगे तो वहाँ पे मिल जाएगी मेरे मतलब गूगल ड्राइव के अंदर, आई होप सो मैंने डाल दी हो। बाकी ऐसे ही अलग अलग वीडियोस, फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशल इशूज़, रिएक्शन, ह्यूमन इमोशंस, और भी लाइफ के प्रॉब्लम्स और मेंटल इशूज़ जिन पर बात होना ज़रूरी है, उन सब पर बात करते हैं इससे चैनल के ऊपर। बाकी वीडियो चेक कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, देखते रहो, मजे में रहो, बाय, अपना दिमाग चलाते रहना।